हाँ जी जय हिंद सर। सर अज की मामला आया थे वो तो सानू मैसेज आया स्कूल दे तो इतने मड़ी तुरी फिर दी आ कोई 400-500 बच्चा जो मुड़सर तो रैफर बारा गति कर रहा है जी। तो ये बारे कोई पता नहीं लग रहा भी कहदे वास्ते आए आ इन्ना पता लगा कोई प्रधान ही नहीं पहला कोई चुनिया सका जी। वो प्रधान कोई अच कोई होर नवा बनया तो वो रिगार्डिंग तुरे फिर दे सर मुंडे सके कितों के इन बारे कोई नहीं अलग अलग जगह तो बच्चे आए है ये बारे जो कोई क्लीयर नहीं हो रहा बाकी तफ्तीश कर रहे हैं सर। आप जे आस पास सीसीटीवी कैमरे चो किसी की फोटो आती है तो की किया जाऊगा? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की गई जो भी बनती कार्रवाई की जाएगी उन्होंने खिलाफ। सर अजकल देखा जाता कि सोशल मीडिया से जो कोई वीडियो भी बनता पे हथियार लहरा रहा तो बहुत सख्त कार्रवाई इमीजिएटली कर दी जाती है तो इदा के नौजवानों से की कार्रवाई की जाएगी? इन्हों की कार्रवाई जो भी बनती कार्रवाई की जाएगी कि धारा लाई जाएगी? धारा देखो जी इन जो भी होगी 188 होगा 188 लावे जो भी इन्होंने को हथियार वगैरह हो गए तो जो भी अभी सीसीटीवी फुटेज कढ़ावा। साढ़े लिए बहुत शर्मनाक है तो साडे बच्चे अंदर बहुत डरे बैठे से घट तो घट 700-800 बच्चा से जिन्हों का कोई सिर पैर नहीं शोर शराबा वो हल्ला करना यह समाज की कोई देन नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां के स्टंट जोड़े स्कूलों माहौल में खराब कर रहे हैं इन बच्चों का ध्यान किया जाना चाहिए आने वाला वक्त बहुत खराब होएगा जो इस तरह चलता रहा। तो सर जड़ियाँ प्रधानगियाँ वगैरह का इशू हैगा वा कि तुम सही मानते हो कि इदा कोई होना चाहिए कोई स्कूल की इनवॉल्वमेंट होंगी भी प्रधानगी? मैं बाकी स्कूलों का तो कह नहीं सकता पर मैं इस शिवज्योति स्कूल के बिहाफ से दस सकना कि साडा कोई बच्चा ना किसी पहले सेगा ना अज है ना अगे होगा क्योंकि ये इस काम से सारे बच्चे परे रखे जाते हैं सब नूं शिक्षा चंगी मिलती है तो इस काम तो बचाने लिए ही यह काम किया जाता है कि भी इस तरह की गतिविधियां भाग ना लैन। बल्कि उस वेले छुट्टी हुई सी तो असीं अपने बच्चे भी बाहरों दूसरे गेट तो कढ़े तो अंदर डरे बैठे से भी कदों प्रशासन आएगा कदों जागेगा। तीन बार पुलिस ने फोन किया 100 नंबर पर फिर 2 नंबर पुलिस थाने फिर गुंबर इंस्पैक्टर फिर ADC बाद पुलिस जागी थी और आई। कितनी देर बाद पुलिस आई सी? सर जब हुण तुसीं देख रहे हो जो हुण माहौल खत्म हो गया वो चले गए तो पुलिस आई जी जी। जिस वेले भीड़ भाड़ सी उस वेले कोई पुलिस नहीं आई 4-5 बार असीं फोन किया लेकिन कोई गल नहीं बनी। सर शिवज्योति तो अलावा किसी होर स्कूलों च भी ये ग्रुप आया वा? पहले साईंदा स्कूल गए थे जी उन्होंने दसिया मुंडिया ने हूँ सेठ हुकमचंद अगर भीड़ है जी ये बाद कहें असी पार्वती जैन जाना जी तो क्या कोई इन्होंने रोकने वाला है नहीं जी प्रशासन कुछ देखेगा तुम आए तुम आप देखे उन्हें पुलिस वाले आए ने इन्ना बुला के बाद तो कहें जी असी कार्रवाई करा किसी बच्चे उन्होंने फड़िया नहीं किसी को कुछ डराया नहीं किसी पिछे गए नहीं कदों जागण पता नहीं कि जो इतने मुंडिया का ग्रुप घूम रहा है कि पुलिस वाले मौजूद से नहीं जी कोई पुलिस वाला नेड़े तेड़े भी नहीं सी जी। तां हुण तुसीं इनफॉर्मेशन को सर मेरी कार खड़ी सी घर के बाहर मेरा घर है शिवज्योति पब्लिक स्कूल के कोल आ देखो जी मेरी कार का शीशा तोड़ गया इहदे च मेरा की कसूर सी कि जिहड़ा मेरी कार का शीशा तोड़ गए भाजी इन्ने बच्चे सी तुसीं यकीन नहीं कर सकते उन्होंने पता नहीं की कुछ इत्थे डब च लाया होया सीगा ते उत्तों इन्ना नॉनसेंस क्रिएट करते पे सी इन्ना हुलर बेचारे सीगे मोटरसाइकिल के पटाके चला रहे सीगे तुसीं देखिया होना वीडियो च कार दे उत्ते बैठे रौला पा रहे किन्ना एक इनोवा कार उहदे उत्ते छत ते बैठे डिक्की खुली जीप लियांदी इन्ने मोटरसाइकिल आवाज़ कर रहे आ देखो अल्लाह तो तोड़ गए ये कोई हाल है क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर कित्थे है मैनूं तो समझ नहीं लगती भी आपां किहड़े जंगल राज च रह रहे हैं इन्हां लोकां कोल परमिशन किन्ने दित्ती है कि इन्ना हंजूम इन्ना इकट्ठा करके ये जा रहे हैं कोई तरीका ही नहीं है। मैं तो कहना काबल वाकई नहीं काबल रहा हूँ पंजाब रहन देना जो हालात बनते जा रहे हैं हूँ खड़ी खड़ी कार का शीशा तोड़ गए दसो इस मेरा कोई कसूर है कि मैं घर के बाहर कार भी नहीं खड़ी कर सकता कोई आके तोड़ जाए वाह मज़ा आ गया वैसे सरकार में हैड्स ऑफ आम आदमी पार्टी। इशू तो पता नहीं की होया बहुत सारे बच्चे जड़े है मुंडे मुटीर जिन्हों कहते हैं वो जो तलवारा लड़ाते हुए हाथ च फड़े हुए मोटरसाइकिलों के उत्ते पता नहीं वैसे तो रोज़ का काम हैगा इतने आप बहुत बारी पुलिस नूं कह चुके हैं कि इतने वैसे जिहड़ा ये एरिया बड़ा इतने सारे बड़े हाई प्रोफाइल लोग रहिंदे हैगे आ साडे नाल हैगे भगत जी तो रमन पब्बी जी राकेश राठौर जी जिहड़े BJP के जनरल सैकटरी हैगे आ तो इतने आ रोज़ दाड़ी मोटरसाइकिलों के उत्ते पटाके मारने वो पुलिस नूं किन्नी वारी कह के हट चुके हैं पर पुलिस की कार्रवाई जीरो है। वो पुलिस कई बार PCR वाले आते हैं तो उन्होंने ये होंगे है कि तुम आप क्यों नहीं एक्शन लेंगे तुम फड़ के पुलिस मुंडिया कुटो ये काम हूँ देखो ये महल्ले वाले बंदे थोड़ी ये काम करेंगे पुलिस का काम है इनू अज तो बहुत हद ही हो गई कम से कम नहीं तो 500-700 बंदा होना मुंडा होना वा जो इतने इकट्ठा होकर आ गया
और एक तो इतने महल के खड़ी एक कार का शीशा भी तोड़ गए। ये नलैकी हैगी है जी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे पंजाब दे विच बड़ा न्यूसेंस हो गया वै। इदा दिया गल् जो महल भी हो गए तो महलिया च हूँ जो बच्चे इतने पढ़ते हैं उन्होंने बच पेरेंट्स के मन के भी डर होगा इन्होंने लैके कि आई है रोज दे नो लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस वाले कहता पुलिस दो चार पाँच पुलिस वाले खड़े करते अज आ गए जी बा उस तो बाद रोज़ पटाके आप परेशान घर के अंदर रहना मुश्किल होया जी। ये इन्हों लॉ एंड ऑर्डर की पोजिशन हैगी है पुलिस न्यू सेंस बिल्कुल बिल्कुल इनरिस्पोंसिबल पुलिस। तो जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी भी मिली हुई है जे भगत जी इतने कॉलोनी रेंदे है बट पथैटिक जी है रिस्पोंस है। थैंक यू।